गाइस, मैंने जो अपना ऐप रन किया था उसे मैं पॉज कर देता हूँ। अभी जस्ट यहाँ पे एक एरर आया था हमारा, तभी मैं कह रहा हूँ आप अगर वीडियो आधी छोड़ के जाते हैं तो आपका बेनिफिट जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक चेंज करना है, डरने की कोई बात नहीं है, एक चेंज करना है। पर चेंज क्या करना है, हमने जो यहाँ पे कलर दिया था ना, यहाँ पे कलर दिया था टेक्स्ट का, वो हटा देना है, सिंपली हटा देना है। उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, हमने उसे हटा देना है सिर्फ। तो चलो आपको मैं एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ में मैंने काफ़ी सारा जो चीज़ें हैं वो शेयर करनी है आपके साथ इसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो अभी एक्सेस ले रहा है हमारे कोड से, कि हमने जो कलर चेंज किया हुआ है यहाँ पे, कलर चेंज होगा सबसे पहले, तो फिर उसके बाद जाके ही यहाँ पे मैं आगे रन करूँगा अपना ऐप ऊपर यहाँ पे करके। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो कलर है वो चेंज हो चुका है और इतना आगे को चला गया, हम इतनी आगे नहीं करना चाहते थे इसे। इसे हम करते हैं ऐसे स्टिक। चलिए, कोई एरर ना आ जाए फिर से, अब नहीं आना चाहिए एरर वैसे तो। अगर एरर आता भी है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से आपको बताएंगे कि क्या आपको करना है, ठीक है। फुल एक्सेस दे रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो का, देखिए अपनी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे पता लगे एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। तो चलिए, अब कोई एरर नहीं आएगा, 101% श्योर हूँ आपको कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि सब फिट हो चुका है बढ़िया से। देखिए ऐड भी लग चुकी है और यहाँ पे फिट हो गया सब कुछ, सारा काम ठीक हो गया। अब हम इसे रन करते हैं सिंपली, ठीक है। यहाँ पर रनिंग भी मैंने लगा दिया है और यहाँ पर डिवाइस हमारा, जैसे ही यहाँ पर इंस्टॉलिंग आएगी ना लिखी यहाँ पर, तो हमारे डिवाइस में अपने आप ही एक्सेस हो जाएगा इस ऐप का। तो अभी के लिए जो टेस्ट ऐड है वो हमारी जो रन होगी, और यहाँ पर आप एक ऐप देख पा रहे हैं, ये वाली ऐप, ये PDF व्यू जो आपको ऐप दिख रही है, ये वाली ये मैंने क्रिएट की थी, ठीक है। और इस ऐप में क्या है हमारे पास, इस ऐप में मैंने जो रील्स ऐड है वो ऐड करके रखी हुई हैं, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इसमें दो एरर्स हमारे आए थे मैं आपको बता देता हूँ, एक कलर का और एक जो हमने शुरुआत में किया था, और वो जो जे सेंटर वाला जो था वो एरर नहीं था, लेकिन हमने एरर अगर हम ओवरराइट करते हैं ना, मैंने उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया था, उसको पेस्ट ओवर पेस्ट कर दिया था, जिसके कारण एरर आ गया था। आपका नहीं होगा ऐसे, 101% श्योर हूँ, ये सिर्फ मेरे साथ ही होना था ये चीज़। और यहाँ पे हमारा जो ऐप है वो रन होगा अभी, तो सिंपली वेट के अलावा और क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा वेट कर लीजिए। स्किप भी कर सकते हैं थोड़ी वीडियो, मैं पोज तो नहीं कर सकता, अगर पोज करूँगा तो हो सकता है मेरा बाई डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाती है वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, पता नहीं क्यों पर हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा वेट करना ही यहाँ पे प्रेफर करूँगा। सो देखिए, ग्रेडल बिल्डिंग अभी तक हो रही है। अगर आपका प्रोसेसर सब कुछ फास्ट है तो फिर जल्दी से जल्दी काम होगा, कोई आपको यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअल में बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं मेरी, इसलिए मेरा टाइम लग रहा है लैपटॉप को। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रोसेसिंग आ रही है, टू प्रोसेसिंग इंस्टॉलिंग, तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग होने देते हैं इसकी। इसका मतलब हमारा जीरो एरर है, कोई भी एरर नहीं है, अगर एरर होता तो ये शो करता भाई, यहाँ पे कोई थ्रेट मतलब रेड सा साइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता, ठीक है। उसका भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एरर आता हो ना तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सर्च करूँगा आपको बताऊँगा, ठीक है। वीडियो भी बना सकता हूँ उस पर, ठीक है। तो अभी तक तो यहाँ पे ग्रेडल जो है बिल्डिंग हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। देखिए अब मुझे लगता है कि इंस्टॉलिंग हो सकती है अभी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हमें वो दे रहा है। यहाँ पे देखिए मूवमेंट जो कितनी स्लो हो रही है, मतलब स्लो कंप्यूटर स्लो काम, पर मैं आपको ये सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड लगा के और ला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर नहीं भी आती है तो भी मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगा, यहाँ पे वीडियो पॉज करने वाला नहीं हूँ मैं, वीडियो कंटिन्यू रहेगी। अगर कोई एरर भी आता है, अगर ऐड नहीं शो होती, तो मैं इसका हल भी आपको भी बताऊँगा, मुझे पता है कि कैसे इसका हल निकालना है, ठीक है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से एड्स कैसे लगानी है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब
इंटरस्टिशियल ऐड जो है उसका ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो बना दूंगा। और बाकी एड्स होती हैं जो नेटिव एड्स होती हैं वो भी मैं लगा के बता सकता हूँ अगर आप बोलें। पर यहाँ पे वेट के अलावा और क्या कर सकते हैं, देखिए अभी तक ग्रेडल जो है बिल्डिंग हो रही है। एक्चुअल में पता क्या है, ये जो डिवाइस हमारे पास अभी आपको दिख रहा है ये ओपन है, इसकी रैम भी मैंने बहुत कम रखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बिल्ट एनालाइजर रिजल्ट अवेलेबल, इसका मतलब अब इंस्टॉल होगा सीधे हमारे डिवाइस में डायरेक्टली। इतनी देर से बोल रहा हूँ पर अब होगा 101% होगा, तो थोड़ा वेट करते हैं फिर से। वीडियो मैं पॉज नहीं कर सकता, आप आगे करके देख लें, रिज़ल्ट देख लेना कि कैसा रिज़ल्ट आया। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है, पर ये लास्ट प्रोसेसिंग है मुझे लगता है क्योंकि दो ही प्रोसेस यहाँ पे पीछे रन हो रहे हैं। और यहाँ पे इंस्टॉल होना है सिर्फ हमारा डिवाइस पे ना, ये जो चीज़ है ये हमारा जो ऐप है ये सिर्फ डिवाइस पे इंस्टॉल होगा। अगर आप इसे ऑफलाइन मोड में इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे ऑफलाइन मोड में इसे इंस्टॉल किया जाता है, वो भी कोई बड़ा काम नहीं है, उसको भी बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 प्रोसेसिंग हो रही है पीछे, थोड़ा मैं पॉज कर ही लेता हूँ, अच्छी तरह से पूरा इंस्टॉल हो जाता है। नहीं पॉज नहीं करूँगा, नहीं तो आपको लगेगा कि इसने कुछ किया। मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ, हमारा जो स्कैनिंग हो रही है मैं आपको पूरा लाइव, देखिए पीछे जो बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं इसलिए टाइम लगता है, ठीक है। पर अगली बार से ध्यान रखूँगा कि पीछे कोई चीज़ नहीं चली छोड़ूंगा, और आपको पूरा एक्सेस दूंगा कि आपको ज़्यादा टाइम वेट ना करना पड़े। और स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्स हो रही है अभी, कितना टाइम लेता है और वो देखते हैं। स्कैनिंग भी होती है फिर उसके बाद इंस्टॉलिंग हो चुकी है, इसका मतलब स्कैनिंग हो रही है सीधी। और साइड में आप देखिए इंस्टॉल 1 प्रोसेस सीधे हमारे डिवाइस में यहाँ पे जाके अपलोड हो गया। ये जो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ आपके सामने सिर्फ लाइव प्रूफ है, ठीक है, कि कैसे ऐड शो करवाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। अगर आप कोडुलर वगैरह से बनाते हैं बिना कोडिंग के साइट बनाते हैं तो उसके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो देखिए यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन आ गई है एड्स के नाम से, ये शायद अपने आप रन हो, अगर नहीं भी रन होती तो फिर हमारा इंस्टॉल तो हो ही चुकी है एप्लीकेशन, बस इसे हम एक्सेस कर लेंगे अपने आप क्लिक करके यहाँ पे। पर अभी मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे देखिए बफरिंग हो रही है। जब तक कोई भी प्रोसेस जो ये देखिए अपने आप हुआ, जो हुआ डिवाइस ने खुद एक्सेस लिया है इसके एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। अब देखते हैं ये कितनी देर में ओपन होती है हमारी जो फाइल। देखिए यहाँ पे फाइल ओपन हो चुकी है पर अभी तक ऐड लोड नहीं हुई है। तो गाइज अगर आप अभी तक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो। क्यों? क्योंकि मैं अब आपको बताता हूँ, मैंने जान के एक चीज़ छुपा के रखी थी आपसे, ताकि ऐसे होते हैं ना आप वीडियो देख लेते हैं पर पूरी नहीं देखते एंड तक, और फिर आपको पता लगता है कि भाई ये चीज़ तो हमने ऐड करी नहीं, फिर कैसे शो होगी। हमें गाइस यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ मना नहीं करूँगा कि ऐड शो नहीं होने वाली, ऐड शो होगी। तो उसके लिए क्या चीज़ ऐड करनी है मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे दो परमिशंस देनी होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका नेट ना चले तो फिर एड्स कहाँ से आएगी, तो नेट की परमिशन ही हमें यहाँ पे देनी है। तो यूजीज वन सेकेंड, यूजेस परमिशन, तो देखिए कितना ज़्यादा लैग यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ में, पीछे और भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं तो फिर तो लैग दिखता ही है, और साथ में ये हमारा छोटा सा एमुलेटर भी यहाँ पे चल रहा है। अब आपको मैंने ऐड शो करवानी है ना, बस मेरा ये काम है। वो ऐड शो हो गई, देखिए बिना इंटरनेट के एक्सेस दिए हमारी जो ऐड है यहाँ पे शो हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया गाइस। अगर आपकी ऐड शो नहीं होती है ना तो आपको यहाँ पे एक्सेस देना पड़ता है। तो क्या एक्सेस है वो मैं आपको बताता हूँ, बिना इंटरनेट के तो ऐड लोड नहीं होने वाली मेरे
इसने डिवाइस ने कहीं ना कहीं से एक्सेस लिया है नेट का। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पे इसमें नेट का एक्सेस तो ले ही लिया है, वाईफाई से बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कनेक्ट हो गया था मेरे। तो चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अब हमें यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस देना है, ठीक है। इंटरनेट लिखें, इंटरनेट एक्सेस देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फाइल सेव करनी है, फिर से रन करना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो 101% यहाँ पे रन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड तो दिखाई दी है। अब मैं आपको एक दूसरा एप्लीकेशन बताता हूँ, PDF व्यू वाली। इस पर मैंने असली एड्स लगा रखी हैं, आपको अभी बताता हूँ मैं। इसको ओपन किया मैंने, तो गाइस देखने में देखना एप्लीकेशन ठीक लगेगी, ठीक ही लगेगी। मतलब देखिए ये एप्लीकेशन मैंने बना के रखी है और यहाँ पे एड्स शो होंगी, 101% शो होगी। देखिए रियल एड्स हैं। और जैसे मैं यहाँ पे Study 1 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये देखिए वीडियो एड शो हो गई। देखिए वीडियो एड शो हो गई, और क्या चाहिए। देखिए गाइस फर्स्ट टाइम ये वीडियो शो हुई है, देखिए आप देख सकते हैं वीडियो एड शो हो रही है यहाँ पे। आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप मुझे बोलें। ये देखिए जो पीछे मैंने फाइल ऐड कर रही थी PDF की, वो खुल गई। और यहाँ पे Study 2 पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे भी, College 1 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस। मतलब आप ऐसी एप्लीकेशन चाहते हैं तो आप मुझे, आपको कुछ नहीं करना है। आप मुझे नीचे मैंने आपको इंस्टाग्राम का अपना लिंक दिया है, आप सबसे पहले तो मैंने एप्लीकेशन का लिंक भी दिया है, उसको देख लें। आपको वैसी डिट्टो एप्लीकेशन चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको चीपेस्ट प्राइस में जितना आप बोलेंगे उस पर बना के दे दूंगा। पर एक शर्त है, आपको अगर एड्स शो करवानी है तो आपको कभी भी सेल्फ क्लिकिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपका टर्मिनेट हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। तो बस इतना ही अब तक के लिए। हैव नाइस डे, गुड डे।